Okay, welcome back everyone. We are doing the second revision class for term 1 and we are doing matrices. Matrices mein kuch ye MCQs aapne NCERT book se diye hain jisko main discuss kar raha hu. Hamare paas 4-5 matrices de rakhe hain jinke orders hame given hai. Right? Choose the correct answer in 21 and 22. Okay, fantastic. The restriction NK and P so that PY plus WY will be defined. Bahut badhiya. P into Y plus W into Y will be defined. देखो defined का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अगर मैं P का number of rows और number of column check करूं, तो P मेरे पास last है, which is P into K. यानी कि number of rows हमारे पास P हैं और number of columns हमारे पास K हैं. Similarly अगर मैं Y का देखता हूं, तो Y में मेरे पास जो number of rows और columns दिखते हैं वो दिखते हैं मुझे 3 into K. ठीक है, दिस इज 3 into K. बहुत बढ़िया. W अगर मैं देखता हूं तो W का क्या गिवन है हमारे पास? चौथा, यानी कि N into 3. नंबर ऑफ रोज N है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं. और Y का तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, दिस इज 3 into K. ठीक है, मैं सबसे पहले इसके जो सेकंड एलिमेंट है वहां से देखूंगा, इसका जो भी मेरे पास रिजल्टेंट आएगा. राइट, ये हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड हमेशा बराबर होते हैं. तो यहां से एक बात तो पक्की है कि ये n क्रॉस k होगा. ये कितना होगा बच्चों? ये n क्रॉस k होगा, कंफर्म. सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन देखता हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स k हैं और नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो एक बात तो पक्की हो जाती है यहां से कि k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकती है. k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकती है और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा? p क्रॉस k. कितना हो जाएगा? p क्रॉस k, यानी कि p क्रॉस 3. तो यहां से हमें k इज इक्वल टू 3 तो कंफर्मिटी से मिल जाता है. k इज इक्वल टू 3 तो कंफर्मिटी से मिल जाता है. अब बात आती है कि p और n के बारे में हम क्या कह सकते हैं. तो एक बात ये भी पक्की है कि p is equal to n होगा, because addition और subtraction तभी defined होते हैं जब वो उनके orders exactly same होते हैं. तो k is equal to 3 बिल्कुल सही है और n is equal to p. n is equal to p, क्या हम कोई number दे पाएंगे? ना, देने की जरूरत नहीं, it can be anything. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? P is arbitrary, k is equal to 3. K is 3 and P is equal to N. मैं इसका सबसे सटीक ऑप्शन क्या बोलना चाहूंगा? ऑप्शन नंबर A. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. सिमिलरली 22nd भी मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है. यहां इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहा हूं. एंड इफ N इज इक्वल टू P, राइट, ऐसा कंडीशन गिवन है कि अगर N इज इक्वल टू P है, जो कि अदरवाइज भी हमें पता है कि N इज इक्वल टू P तो होना ही है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x-5z will be. देखो ये 7x, ये 7 और 5 order में कोई role play नहीं करते हैं ना, scalar multiplication की बात हो रही है. तो मैं सिर्फ देखूंगा कि x क्या है हमारे पास, right? x का order कितना है? तो x का order दिखता है मुझे 2/n, right? कितना दिखता है बच्चों? 2/n. और z का order कितना दिख रहा है? तीसरा, यानी कि this is 2/p. ठीक है, कितना है ये? 2/p. तो ये बोल रहे हैं कि बताओ अगर n बराबर p है तो क्या हो जाएगा. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n बोल सकते हो, मर्जी है तुम्हारी. 2 क्रॉस n हमारे पास है और तो कहीं हम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर मैं क्या बोलूंगा? ऑप्शन नंबर b. ठीक है, लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, यूज द चैट बॉक्स टू रिस्पोंस, जल्दी से बताओ. Okay, let's talk about the transpose of a matrix. Now that we have done those easy ones, let's talk about some properties of transpose. Transpose mein kya hota hai? Ki agar aapke paas koi bhi matrix Aij hai, I represents the number of rows and J represents the number of columns. To agar aap corresponding elements ke corresponding rows or column ko agar aap interchange kar doge, theek hai? To iska जो आपके पास नया अरेंजमेंट आता है मैट्रिक्स का, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं. ठीक है, तो इसको कुछ ए ट्रांसपोज करके ऐसे भी लिखा जाता है और कई बार ए डैश करके ऐसे भी लिखा जाता है. इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है?
कि आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये हमारे पास है 2 3 4 1 2 3, और हमारे से बोला गया बताओ इसका ट्रांसपोज कितना होगा। तो इसमें क्या है, अभी हमारे पास दो रोज थे तो अब क्या हो जाएंगे, दो कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है, तीन कॉलम्स थे तो दो रोज हो, तीन रोज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट कॉलम को, या फिर आप चाहो तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास रो है, पहला रो है 2 3 4, इसको मैं अगर कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आगे बढ़ने से पहले, आई मीन लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चंस, थोड़ा सा मैं आपके साथ ट्रांसपोज का कुछ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और जो ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स आया उसका फिर से ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिलेगा, फिर से सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। आपने एक बार रो को कॉलम बनाया, राइट, और फिर से आपने जो रो कॉलम इंटरचेंज हुए थे आपने फिर से चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, द सेम अरेंजमेंट यू हैव अचीव्ड इट अगेन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी इजी प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, और आप उस स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, देन इट इज एब्सोल्युटली इक्वल टू व्हाट, के एंड ए ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज ले लो और फिर उस स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज स्केलर मल्टीपल होता ही क्या है, सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करके देते हैं एंड वी गेट दैट वैल्यू, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है जिसको हमने ऐड या सब्सट्रैक्ट किया है और ऐड सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आया है हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये चीज किसके इक्वल होती है, रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के प्लस माइनस करने पे अचीव होती है, ठीक है। चौथी और मेरे ख्याल से बोर्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी, जब अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, सो दैट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज आपके काम की हैं और एमसीक्यू पेपर आने जा रहा है, आपको इससे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी और बातें करेंगे और उसके बाद एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। थोड़ी बात हम यहाँ पे करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिसेस, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और मुझे वो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और मुझे मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी बात को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी यहां पे काफी काम की है, कभी भी आप अगर कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो तुम्हें हमेशा ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, ऑलवेज any matrix added to the transpose of itself, any square matrix, okay, added to the transpose of itself will always give you a symmetric matrix, okay. Similarly, A minus A transpose अगर हम लोग करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, skew symmetric matrix मिलता है, ठीक है, you always get skew symmetric matrix. कई बार ऐसा question पूछा जा चुका है और अभी भी MCQ में भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो बताओ किसी मैट्रिक्स को आपने एक्स और वाई के तरीके से एक्सप्रेस किया, एक्स प्लस वाई, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि आपने एक्स और वाई के तरीके से उसको एक्सप्रेस किया, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर आपको ये गिवन है कि एक्स आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वाई आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैव बीन, आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन यू नो इन द ट्रेंड इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग डील कर लेते हैं, आपको सिर्फ छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए,
पहली बात तो ये फैक्ट तुम्हें ध्यान रखना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करोगे तुम्हें हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जांपल लेके अभी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज सब्स्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, आओ लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। यहां से एक और फैक्ट मैं चाहूंगा अपने पास तुम जरूर से रखना बिफोर आई कम टू द एग्जांपल, दैट इज कि अगर कोई मैट्रिक्स तुम्हारे पास ए है और तुम्हें ये एक्स और वाई ऑब्टेन करना है तो करना क्या पड़ेगा। देखो ए को मैं लिखना चाहता हूं ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक ए था और राइट साइड पे दो ए आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस वो तो कैंसिल हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, है ना। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी कि ऐसा भाई किसी भी स्केलर से डिवाइड कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो एक बात समझ में आती है कि अगर कभी इस तरीके के क्वेश्चन में एक्स और वाई जो भी मेरे सामने क्वेश्चन आया था तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी ए प्लस ए ट्रांसपोज का आधा, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी ए माइनस ए ट्रांसपोज का आधा, हाफ ऑफ दैट। ठीक है, आओ इस पे एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू वन एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। देखिए ये एक क्वेश्चन है एक्सप्रेस बी, है ना, ऑब्वियसली बात है ये सब्जेक्टिव के फॉर्म का दे रखा है, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया, है ना। बोलेंगे बी, राइट, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर एक्स इज सिमेट्रिक एंड वाई इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, या फिर एक्स और वाई दोनों बताओ। ठीक है, तो बहुत टेंशन लेना नहीं है, फटाफट से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। एक्स तुम्हारे पास सिमेट्रिक है तो ये कितने से ऑप्टेन होगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कोई भी परेशानी आपको नहीं होने जा रही। देखिए टू माइनस वन वन, माइनस टू थ्री, माइनस टू माइनस फोर, फोर माइनस थ्री, इसका ट्रांसपोज मैं अगर ले लूं तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, पहला रो उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं तो टू माइनस टू माइनस फोर हो गया, सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बनाया माइनस वन थ्री एंड फोर, और थर्ड रो मेरे पास वन माइनस टू और माइनस थ्री आ गया। व्हेन आई ऐड देम आई थिंक वी शुड बी गेटिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी उसके ट्रांसपोज करेंगे तो भी वही मैट्रिक्स बननी चाहिए, चेक करके देख लेते हैं ना। दो और दो चार हो गया, माइनस दो और माइनस एक मेरे पास माइनस तीन हो गया, माइनस चार और एक मेरे पास माइनस तीन हो गया, यहाँ फिर से माइनस तीन आता है, तीन और तीन छः हो जाता है, और यहाँ पे दो में चार में से दो गया तो हमारे पास हो गया दो, एक और ये माइनस तीन, ये फिर से दो और ये माइनस छः, करके देख लो। अगर तुम इसका ट्रांसपोज भी करते हो तो भी तुम्हें सेम चीज मिलेगी, रोज और कॉलम एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि अब हमें क्या करना है, बी में से उसका ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करना है। आओ एक एग्जांपल कर ले रहे, है ना, आई एम श्योर आपके दिमाग में अब ये वाली चीज अच्छे से चली गई है, लेकिन फिर भी आओ इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड के ख्याल से एक इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, ध्यान रखना, मुझे लगता है इस बार एमसीक्यू में इसके आने के चांसेस बड़े फेयर हैं, ठीक है ना। देखो अब फिर से चेंज कर देता हूँ, ट्रांसपोज हमने ऊपर लिख रखा ही है, सीधा सीधा कॉपी कर डालते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो माइनस वन थ्री फोर, वन माइनस टू एंड माइनस थ्री, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा सेकेंड मैट्रिक्स में, तो दो में से दो गया। ध्यान रखना किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट पक्का से जीरो होगा, डायगनल एलिमेंट हमेशा जीरो होगा, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है, ऑलवेज। अच्छा जरा सोच के बताओ, मुझे चैट बॉक्स में जरा सोच के बताओ कि अगर मैं कहता हूं कैन यू सजेस्ट एनी मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एट द सेम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ दैट, जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, डोंट यूज द माइक। कैन यू थिंक ऑफ एनी मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एट द सेम टाइम, दोनों वो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, ऐसा कोई मैट्रिक्स सजेस्ट कर सकते हो, सोच के बताओ। टू पीपल हैव सेड नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। इसमें मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट होना चाहूंगा, आप बोलोगे नल स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इट कैन बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है। मनन एंड अर्पित दोनों ने सही जवाब दिया, लेकिन मैं इसको और ज्यादा एक्यूरेट करना चाहूंगा, ये इनकम्प्लीट जवाब है, बल्कि मैं मैथ में कहूँ तो गलत है। एनीथिंग विच इज पार्शियली करेक्ट और पार्शियली रॉन्ग इज टेकन एज रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, यू नो डैट,
ठीक है, इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां तुम्हारा सही जवाब क्या होना चाहिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स या स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही होंगे। ओके वेरी गुड। चलो देखो, लेट्स गेट द फाइनल आंसर। यहाँ पे अगर मैं माइनस का माइनस वन करूंगा तो प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास माइनस वन रह जाएगा, तो माइनस फोर और माइनस वन, ये मेरे पास माइनस फाइव आ गया, माइनस वन, और इधर मेरे पास आ गया कितना, माइनस का माइनस टू, प्लस टू हो जाएगा, तो ये प्लस वन आ रहा है, ठीक है। वन में से मेरे पास प्लस फोर ऐड होगा तो ये फाइव रह जाएगा, ये वाला एलिमेंट का तो जीरो होना तय है, और चार में से दो माइनस का दो यानी कि प्लस छः हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा तो माइनस दो माइनस चार, ये माइनस छः हो रहा है। बड़े आसानी से तुम इसको चेक कर सकते हो कि अगर तुम वाई का ट्रांसपोज करोगे तो वाई का नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कुछ और करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेस 11 एंड 12। ओके, क्वेश्चन 11 एंड 12, फाइन। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी माइनस बी ए इज वॉट। ये हमारे पास सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो एक बात तो पक्की है कि इनका ट्रांसपोज सेम होगा, है ना, इसका ट्रांसपोज सेम होगा। अगर कभी भी मुझे ये देखना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा ना, ठीक है। देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज देखूंगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज ही चेक करना पड़ता है। अगर उसका ट्रांसपोज सेम आ गया तो फिर सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, यानी कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है और जो बी का ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है, एंड वी हैव टू चेक दिस, हमें सिर्फ इसको प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं, मैं इसमें पहली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों। फिर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू ए का ट्रांसपोज, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और बी का ट्रांसपोज कितना है, बी है, और ए का ट्रांसपोज कितना है, ए है, ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। ध्यान से देखो, जो भी तुम्हारे पास था क्या एग्जैक्टली उसका उल्टा नहीं हो गया, अगर माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या ये ए बी माइनस बी ए नहीं बन गया, और अगर ऐसा बन गया तो ये क्या है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर क्वेश्चन, देखो गुड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन में डिफरेंस है। गुड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, इजी क्वेश्चन जिसमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, वैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके लेट्स सी दिस, इफ ए इज गिवन एज दिस एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, आई इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द डाइंगल एलिमेंट्स आर 1, रेस्ट एवरीवन इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसको करने में, थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आइए देखिए करते हैं, लेट्स डू इट। सो ए हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये माइनस थोड़ा और साइन अल्फा के पास चिपका दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज माइनस थोड़ी ना करना है, ठीक है ना, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये मेरे पास क्या है बेटा, दिस इज माई गिवन ए मैट्रिक्स। अब मुझे इसके ट्रांसपोज में ऐड करना है, तो ट्रांसपोज जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और जो सेकेंड रो है इसको मैं सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ऐड करके देखता हूँ कितना आ गया। तो ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, ये हो गया बहुत बढ़िया 0, और ये भी हो गया बहुत बढ़िया 0, और ये भी कितना आ गया बेटा, दिस इज ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एज पर द क्वेश्चन ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। तो सिंपली आप इक्वेशंस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बराबर होते हैं और वो सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर तो है ही है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ कब होती है, अल्फा की किस वैल्यू के लिए हाफ होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पाई बाई थ्री यानी कि 60 डिग्री के लिए होती है, ठीक है। आई होप यू गेट इट एज वेल।
ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? राइट, कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास ए दे रखा है तो मैं बोलूंगा कि ए का इन्वर्स बी है, ए का इन्वर्स बी है अगर कंडीशन अप्लाइड ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कभी भी हमारा इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है ना, मैं कहता हूं कि बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, राइट, आई अपॉन ए, या फिर इसको बेटर कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर मैं इसी बात को देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, राइट, आई इंटू ए इन्वर्स, है ना, और आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज व्हाट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, तो b will be considered a inverse of matrix a only when a multiplied to b is equal to b multiplied to a and that is in return to equal to what identity matrix। ठीक है, understanding will be important, कुछ question understanding based भी straightforward जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये basic बातें ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज तुम अभी पढ़ोगे, singular matrix and non singular matrix। ठीक है, आप अभी पढ़ोगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी जो तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, अगर आप उसका डिटरमिनेंट ले लो, अगर उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसी को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, जैसे ये मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, वैसे ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स, अभी आगे हम लोग जब डिटरमिनेंट्स रिवाइज करेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि ए इनवर्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो फॉर एनी इनवर्स टू एग्जिस्ट द मैट्रिक्स शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना,